15 नवंबर 1989 को जब कराची में 16 साल का बच्चा पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों के आगे बल्लेबाजी करने उतरा तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा क्रिकेट का भगवान कहलाएगा। मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, तेंदुलकर, ना जाने कितने नाम हैं सचिन के। ये सचिन ही हैं जिसने लगभग 25 साल तक भारतीय फैंस की उम्मीदों को अपने कंधे पर जिया और लगभग हर बार उन उम्मीदों पर खरा भी उतरे। सचिन ने इस देश में क्रिकेट देखने के नजरिए को बदल दिया, क्योंकि 90 के दशक में जब सचिन अपने चरम पर थे, हिंदुस्तान में टीवी सचिन की बल्लेबाजी से खुलते थे और उनके आउट होने के बाद बंद हो जाते थे। सचिन के लिए लाखों लोग उपवास रखते थे। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी कह चुके हैं कि वो कहते रहते थे कि जब सचिन बैटिंग करने आए तो मेरे को उठा देना। ये सचिन ही थे जिनकी वजह से न जाने कितने बच्चों का नाम ही देश में सचिन हो गया, क्योंकि उनके माता पिता को सचिन पसंद थे। सचिन एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने बल्लेबाज बना दिया, और बल्लेबाज भी ऐसे कि क्रिकेट जगत के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। सचिन अपने शुरुआती करियर में नीचे बल्लेबाजी करने आते थे, लेकिन 1994 में तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के एक फैसले ने सचिन की बल्लेबाजी को पूरी तरह से बदल दिया और शायद भारतीय वनडे क्रिकेट को भी। 27 मार्च 1994 का दिन क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। वनडे करियर के 70वें मैच में सचिन को ओपनिंग का मौका मिला, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और एक के बाद एक कीर्तिमान अपने नाम करते गए। 1994 के न्यूजीलैंड दौरे में टीम इंडिया के नियमित ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू की गर्दन में परेशानी की वजह से सचिन से पारी का आगाज कराया गया। सचिन भी यही चाहते थे। इसके लिए वह कप्तान अजहरुद्दीन और मैनेजर अजीत वाडेकर से अपील भी कर चुके थे। इस मैच में सचिन ने 49 गेंदों में 82 रन ठोक दिए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से अलविदा कहे हुए लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन इन 5 साल में ना क्रिकेट सचिन से दूर गया और ना ही फैंस। आज भी सचिन कहीं खड़े हो जाएं या उनकी झलक दिख जाए तो सचिन सचिन की आवाज गूंज उठती है। सचिन अभी भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ बतौर मेंटर जुड़े हुए हैं। कौशल कुमार, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।